Dear parents and students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Today I am going to teach you English workbook. Now open your book page number 20. First of all, student, you must write down date here. Now read the caption after me. Take the correct answer and then write the complete sentence. Take the correct answer and then write the complete sentence. ये हमारे पास थ्री ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है और फिर कंप्लीट सेंटेंस नीचे वाली फोर लाइंस में लिख देना है. आई ही शी एम राइटिंग. आई के साथ हमेशा एम आता है तो हम इस पे एम को टिक करेंगे. आई एम राइटिंग. आई एम राइटिंग. I am writing. अपने फॉर्मेशन का खास ध्यान रखना है और गैप भी इक्वल देना है. I am writing. I He, she is my brother. Brother भाई को कहते हैं और boys के लिए हम he इस्तेमाल करते हैं. आपने picture को भी देखना है, अगर girl की picture है तो she आएगा और अगर boy की है तो he आएगा. He is my brother. तो हम correct word पे tick करेंगे और इधर लिख देंगे. He is my brother. He is my brother. I, he, she is happy. तो ये देखे, ये boy की picture है तो इस पर भी हम he पे टिक लगाएंगे. He is happy. आपने पिक्चर को भी फोकस करना है और सेंटेंस पे भी फोकस करना है. ही इज हैप्पी. He is happy. I, he, she is my grandmother. I, he, she is my grandmother. इन तीनों ऑप्शन में हम देखेंगे कि ग्रैंड मदर के साथ कौन सा ऑप्शन आएगा. तो ग्रैंड मदर वुमेन को कहते हैं ना, और वुमेन के लिए और गर्ल्स के लिए हम लोग शी का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर करेक्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है शी. शी इज़ माय ग्रैंड मदर. आपकी हैंड राइटिंग बहुत नीट होनी चाहिए. She is my grandmother. अब हमारे पास स्पेस नहीं है, हम छोटा सा डैश लगा के, हम छोटी सी डैश लगा के इसको नीचे लाइन लगा के वहाँ पर मदर लिख देंगे. She is my grandmother. I,
he she is a pilot. तो pilot जो है वो boy है, तो इसके लिए हम he use करेंगे. He is a pilot. I, he, she is laughing. ये देखें, ये girl है तो हम she पे टिक लगाएंगे. She is laughing. I, he, she, am sleeping. तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि I के साथ हमेशा am आता है, तो हम I पे टिक लगाएंगे. I, he, she is flying a kite. ये देखें, ये boy है तो boy के लिए हम he use करते हैं, तो हम he पे टिक लगाएंगे. He is flying a kite. ये पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है. योर हैंड राइटिंग मस्ट बी नीट, योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट. आपने इसको रीड भी करना है और नीट हैंड राइटिंग में सॉल्व भी करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.